अस्सलाम वालेकुम। और वोट डालने के लिए आज निकले हम और काफ़ी रश नज़र आ रहा है, तो दिखाऊंगा अभी आपको पोलिंग स्टेशन पे कितना रश है जहाँ पे मैं जा रहा हूँ। रास्ते में जितने पोलिंग स्टेशन मुझे नज़र आए हैं बहुत ही ज़्यादा रश नज़र आ रहा है। और PTI का तो एक ही पोलिंग स्टेशन नज़र आया, लेकिन सबसे भारी वही था जहाँ पर ज़्यादा रश था, एक था, बाकी सबके दो दो तीन दिन लगे हुए थे। मुझे तराजू में बहुत ज़्यादा रश नज़र आया, MKM पे बहुत ही रश है लेकिन कम है, लेकिन PTI का एक ही नज़र आया मुझे और बहुत ज़्यादा रश था। मेरे ख्याल से सब लोग यही समझ रहे हो कि यहाँ से पर्चियाँ बनाएंगे तो यहीं की मानी जाएगी, लेकिन भाई कहीं से भी पर्चियाँ बनवाएं, वोट बस आप डाल के आए और बस आज जो है वो रिहा करना है, करवाना है इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाना। बस आगे आगे जो भी होगा, लाइनें होंगी, जो भी होगा मैं आपको बताऊँगा, आपकी तो वीडियो के ज़रिए बताऊँगा कितना रश है। जी तो सर हम यहाँ पर आ गए हैं पोलिंग डालने, पोलिंग स्टेशंस, और यहाँ पे आप कैंप्स देखें, ये आपको पाख्ता नज़र आ रही। PTI का मुझे वाहिद बंदा नज़र आया जो इस तरीके से बाइक को सजाया हुआ है और पाख्ता भी इसने लगाई हुई है, झंडा आगे लगाया हुआ है। बाकी ये कि सामने आपको PTI का वाहिद जो यहाँ पे कैंप लगा हुआ है वहाँ पे आपको रश नज़र आ रहा होगा। बाकी यहाँ आगे की तरफ जो है लंबी लाइनें लगी हुई गाड़ियों की, आपको बाइक की पार्किंग से पता चल जाएगा कि किस तरीके से लोग जो ये देखेंगे चाचा किस तरीके से जा रहे हैं मज़े से। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रश है, अंदाज़ा हो गया होगा आपको कि किस तरीके से आवाम निकली हुई है। अब यहाँ पर हम ज़रा पर्ची बनवाने आए हैं, पर्ची बनवाने के बाद पोलिंग स्टेशन जाएंगे क्योंकि सबसे कम रश जो है, क्योंकि दो तीन जमात इस्लामी ने यहाँ पे कैंप लगाए हुए थे, सबसे कम रश जहाँ पर था वहाँ पर मैं आ गया हूँ यहाँ पर पर्ची बनवाने के लिए, ताकि थोड़ी आसानी हो जाए अंदर जाके, जल्दी काम निमट जाए। यहाँ पर आपको रश बहुत ही कम नज़र आ रहा होगा। अब चलते हैं हम वोट डालने के लिए। तो ये हमारा स्टेशन है जहाँ पे वोट डालना है हमें। ये अभी क्योंकि 9:30 बजे का टाइम है, अभी रश यहाँ पे कम है, लेकिन फिर भी 9:30 बजे के हिसाब से कराची वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा रश है ये। और फाइनली ये वोट कास्ट मैंने कर लिया है, थम से आपको अंदाज़ा हो गया होगा। जो जोश व खरोश इस इलेक्शन में हमें नज़र आया है वो पहले कभी नज़र नहीं आया, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा जोश है ख़ास तौर पर नौजवान बूढ़ों में, यानी एवरीवन यार, हर कोई बड़ा एक्साइटेड था। 8 तारीख के वेट कर रहा था, तो बहुत ही ज़बरदस्त एक समा लग रहा था कि वाकई कोई ना कोई इवेंट है आज और कुछ ना कुछ करके जाना है। हर जगह आपने देखा कि रश है और PTI वाले तो बेचारे छुपे भी थे ज़्यादातर तो, लेकिन यह है कि अगर ये वोट सही तरीके से इस्तेमाल हो गया और आप लोग जाके वोट देकर आए तो लाजमी तौर पर जो है वो खान के हक़ में ये सिचुएशन सारी की सारी जाएगी और ख़ान एकदम दोबारा वापस आएगा। तो लाजमी आज का वोट डालें, कोई एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा आज के दिन यार। भले धूप है, लंबी लाइनें हैं, हर कोई निकल रहा है, मैं अभी देख के आया हूँ, तो लाजमी आप वोट डालें और फिर रिज़ल्ट देखें। फिर रिज़ल्ट देखने का भी मज़ा आएगा कि हाँ यार हमने वोट डाला है, उसका क्या रिज़ल्ट आता है। रिज़ल्ट अल्लाह के हाथ में, लेकिन आप लाजमी अपना वोट डालें, वोट कास्ट करें, अपनी जो ज़िम्मेदारी है वो पूरी करें। खान को भी इसी दिन का इंतज़ार था और हम लोगों को भी था, तो लाजमी वोट डाल के आएँ और फिर इंशाल्लाह अल्लाह की मदद देखें आप लोग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।